स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक तरंग कक्षा एक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है खिलौने ले लो। आप सभी के पास घर में बहुत सारे खिलौने होंगे और उन खिलौनों से खेलने में आपको बहुत आनंद आता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। चित्र पर आधारित गतिविधि। उपयुक्त चित्रों में से आपको कौन सा खिलौना अच्छा लग रहा है और क्यों? तो देखिए, 3 खिलौनों के चित्र बने हुए हैं। आपको इनमें से जो भी खिलौना बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताना है और यह बताना है कि वो क्यों अच्छा लग रहा है। पाठ प्रवेश। इस पाठ में बच्चों की खुशी और उत्साह का चित्रण किया गया है, जहां बच्चे खिलौने वाले की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ते हैं और विभिन्न खिलौने खरीदते हैं। इस कहानी में एक खिलौने वाला है जो खिलौने बेच रहा है। बच्चे उसकी आवाज सुनते हैं, उसके पास जाते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंजलि व रीना पढ़ाई करके उठी। उन्हें बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कौन पढ़ाई कर रहा है? अंजलि और रीना। और क्या हुआ, उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन उन्हें बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों चहक उठी। वह आवाज थी खिलौने वाला, खिलौने वाला। गली में खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। बच्चों ने देखा और बोले, देखो खिलौने वाला आया, खिलौने वाला। जब गली में आपके खिलौने वाला आता है या आइसक्रीम वाला आता है तो आप भी बहुत खुश होते हैं ना, उसी प्रकार बच्चे भी बहुत खुश हुए। आओ सब आओ, उसके पास मोटा हाथी है और नटखट बंदर, कालू भालू और लाल मोटी नाक वाला जोकर भी। क्या है, तो देखो कितने सारे खिलौने हैं उसके पास, हाथी, बंदर, भालू और जोकर है। किसके पास? खिलौने वाले के पास। देखो खिलौने वाला डुगडुगी बजा रहा है। क्या बजा रहा है? डुगडुगी बजा रहा है। तब बच्चे दौड़े दौड़े आए। खिलौने वाला डुगडुगी बजाकर बोला, क्या बोला? डुगडुगु डुगडुग, खिलौने ले लो। डुगडुगी बजा रहा है और क्या कह रहा है? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। अंजलि आई, रीना आई, साथ में उसकी सहेलियां आई। अंजलि भी आ गई, रीना भी और उसकी सहेलियां, और बहुत से लोग आ गए खिलौने वाले के पास। खिलौने वाला बोला, देखो यह फौजी चौकी पर बैठा रखवाली कर रहा है। फौजी है और वो कहाँ बैठा है? चौकी पर। और क्या कर रहा है? रखवाली। यह नाचने वाला बंदर कचौड़ी खूब खाता है। जो बंदर नाचने वाला है वो क्या खाता है? कचौड़ी। यह डुगडुग वाला भालू डुगडुग डुगडुग बजाता है। भालू क्या करता है? डुगडुग डुगडुग बजाता है। रीना ने ली हंसने वाली एक गुड़िया। रीना ने क्या ली? हंसने वाली एक गुड़िया ली। रोहन ने अपने लिए क्या लिया? सीटी ली और बड़े मजे से बजाने लगा। सीटी ली और बड़े मजे से उसे बजाने लगा। राघव ने क्या लिया? एक बंदूक वाला फौजी। बड़ा रोबदार दिखता था फौजी लिया, जो क्या दिखता था? बहुत रोबदार दिखता था। रीना ने खिलौने वाले की डुगडुगी उठाई और बजाने लगी। डुगडुग डुगडुग, रीना ने खिलौने वाले की डुगडुगी उठा ली और क्या करने लगी? उसे बजाने लगी। सबने खिलौने वाले को पैसे दिए। जब खिलौने लिए हैं उसके पैसे भी तो देने होंगे। खिलौने पाकर सब खुश हो गए। खिलौने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला आवाज लगाते हुए वह आगे चला गया। सब बच्चों ने खिलौने लिए।
और खिलौने वाले को पैसे दिए, तो खिलौने वाला खुश हो गया और क्या आवाज लगाते हुए चला गया, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, खिलौने वाला। अब हम अभ्यास करेंगे शब्दार्थ का। खिलौने वाला जो खिलौने बेचता है, संदेश, खबर, समाचार, रौबदार, आकर्षक, शानदार, दौड़ दौड़ तेजी से भागते हुए। तो चलिए अब हम अभ्यास करेंगे। बताओ क्या पढ़ा, अंजलि और रीना को किसकी आवाज सुनाई दी, किसकी आवाज सुनाई दी थी, खिलौने वाले की। डुगडुगी कौन बजा रहा था, डुगडुगी खिलौने वाला बजा रहा था। नाचने वाला बंदर क्या खाता था, नाचने वाला बंदर कचौड़ी खाता था। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, रीना ने कौन सी गुड़िया ली, रोने वाली, गाने वाली, हंसने वाली या नाचने वाली। रीना ने हंसने वाली गुड़िया ली। फौजी चौकी पर बैठा क्या करता है, रखवाली, शरारत, नाटक या गुनगुनाता। फौजी रखवाली करता है, फौजी देश की सीमा पर हम सबकी रखवाली करते हैं। खिलौने वाला क्या बजा रहा था, बांसुरी, सीटी, डुगडुगी या ढोलक। तो खिलौने वाला डुगडुगी बजा रहा था। कौन आवाज लगा रहा था, मौसी, फौजी, खिलौने वाला या रीना। तो खिलौने वाला आवाज लगा रहा था। प्रश्न तीन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खिलौने वाला डैश बेच रहा था, क्या बेच रहा था, खिलौने। खिलौने पाकर सब डैश हो गए, क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। सबने खिलौने वाले को डैश दिए, क्या दिए, पैसे। क्यों दिए थे, क्योंकि खिलौने लिए थे। रोहन ने अपने लिए डैश ली, क्या ली थी, सीटी। प्रश्न चार, खिलौनों का उससे जुड़े शब्दों से मिलान करो। यहाँ पर खिलौने हैं और उनसे जुड़े शब्द हैं, आपको सही मिलान करना है। फौजी, फौजी क्या था, बंदूक वाला। गुड़िया, हंसने वाली। बंदर, नाचने वाला। और सीटी, बजने वाली, सीटी बजती है ना। प्रश्न पांच, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार पुनः इस पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रश्न पांच में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न पांच, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप अपने पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रश्न पांच आप स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।